हाय एवरीवन, कैसे हो? खूब सो अच्छे हो गए और तैयारी कर रहे हो गए। तो ये वीडियो रिगार्डिंग मेंस रीजनिंग के लिए है। ये मत सोचो कोई कोर्स लेकर आया हूँ, ऑफकोर्स लाऊंगा, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट डेफिनेटली लाऊंगा। बट ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुझे एक जगह प्लेलिस्ट मिल जाती ना सभी वीडियोज़ की, तो काफ़ी सही रहता। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट की खासियत क्या, पहले उसको सुन लीजिए। मैंने 2023 से लेकर 2020 तक मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वो वीडियोस देखने हैं, और रिकमेंडेड है ये चीज, आपको करनी करनी है, ठीक है ना। आप एक बार कंटेंट देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर से जो डर है ना मेंस की रीजनिंग का कि यार सॉल्व नहीं होती है, चाहे वो पजल हो चाहे मिसलेनियस हो, मैंने सब चीज इसमें दे दिया है। मैं आपसे यही बोलूंगा, कोई कहता नहीं है आप पेड़ मेरा मत लो, कोई कहता टीचर कहता है कि मेरा पेड़ मत लो, मैं कह रहा हूँ आप मेरा पेड़ मत लेना। आपने ये वीडियोस खत्म कर दिए सारे, ये वीडियोस आपको सारे खत्म करने हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एज वेल एज कमेंट में डाल दूंगा। अगर आपने पूरे वीडियोस खत्म कर दिए हैं, 2020 से लेकर 2023 तक का है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। बट आपको देखना पड़ेगा प्लीज। और हाँ, जितने लोग देखेंगे एक बार कमेंट सब पे चाहिए, क्योंकि मैं हर सबका कमेंट वेट करूंगा कि आपने ये वीडियोस देख लिए हैं, ठीक है ना, मुझे ध्यान रहेगा। चलिए दूसरी चीज, मॉक में अगर नंबर नहीं आ रहे, ये आपने किया, आपने मॉक पे नंबर नहीं आ रहे, तो अब यार क्या, ये सर ने कहा था कि कर लो वीडियोस तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके बढ़े नहीं मार्क्स, क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी मॉक लगाया, आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन का सिलेक्शन से कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। आप इतने वीडियो जब लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, किस टाइप की पजल्स मुझे करनी वाली है और किस टाइप की नहीं करने वाली है, कौन से टॉपिक्स को मुझे छूना है, कौन से टॉपिक को नहीं छूना है। तो पूरे क्वेश्चंस को आप विजिट करोगे मॉक में, कोई भी आप मॉक देते हो, पूरे क्वेश्चन को आप विजिट करोगे, उसके बाद चूज करोगे भाई ये मुझे करने हैं टॉपिक्स, ये मुझे करने हैं, उनको करो। देखो मेंस में ना कोई फुल मार्क्स नहीं लाता, मैं आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ में तो काफी कुछ, एक दो बच्चे पिछली बार लाए भी थे। तो मेंस में यही होता है फंडा, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप कुछ गलत क्वेश्चन उठा लोगे और आप फंस जाओगे तो क्या करोगे, पेपर पूरा बेकार हो जाएगा मॉक आपका। अब देखो मैंने एक बार बताया एक चीज, वैकेंट का क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में कराया, अभी बताओ वैकेंट क्या आपको एग्जाम में पता है कि वैकेंट आपको इजी है या सरल कठिन वाला क्वेश्चन है? तो वैकेंट के क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे देखो कोई दूसरा दो वेरिएबल क्वेश्चन देख जाए। इस तरीके से मॉक को करो, और डेफिनेटली जल्द ही मैं एक बहुत प्यारा प्री प्लस मेंस की बैच को लेके आऊंगा। प्री की एक अलग क्लासेस होंगी, मेंस की अलग क्लासेस होंगी, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। कोई भी तरीके का डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन देना, और जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं पूरा दे दे रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।